सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर गुरुग्राम का नाम आने के बाद गुरुग्राम में श्री माई गुरुग्राम संस्था के बैनर तले कई सामाजिक संस्थाओं ने वॉक फॉर ह्यूमैनिटी मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए गुरुग्राम वासियों को प्रदूषण के खिलाफ और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर श्री माई गुरुग्राम संस्था की अध्यक्ष संजना जॉन ने कहा कि अब गुरुग्राम को क्लीन और ग्रीन बनाने के साथ साथ महिलाओं के प्रति सुरक्षित माहौल तैयार करना होगा। इस अभियान में श्री माई गुरुग्राम संस्था के साथ कई अन्य संस्थाएं भी शामिल रही, जिनमें सबसे अहम स्पर्श गंगा नाम की संस्था थी, जो कि भारत ही नहीं विश्व में अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती है और भारत में गंगा नदी को साफ करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। हमारी संस्कृति हमेशा से रही है वसुधैव कुटुंबकम की, और वो भले ही उत्तराखंड हो, वो भले ही गुरुग्राम हो, वो दिल्ली हो, वो कलकत्ता हो, वो यूएसए हो, एंड संजना जॉन जी इज़ डूइंग इट फॉर यूएसए आल्सो, स्पर्श गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं। और स्पर्श गंगा जो है वो पूरी दुनिया को एक मानता है, और हमारा पर्यावरण तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वी आर वेरी ग्लैड कि आज हमने यहाँ से शुरुआत करी है स्पर्श गंगा की, और एक स्वच्छता की एक शुरुआत है। आज शक्तिमय गुरुग्राम का पहला इवेंट है। हम एक ग्रुप बना के टू मेक गुरुग्राम द सेफेस्ट ग्रीनेस्ट क्लीनेस्ट। हम सबको पता है कि ये सब ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण इतना परेशानी हेल्थ पर हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लड़कियों को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, अपना सेफ्टी। सो ये कैंपेन हमने बहुत अच्छे तरीके से आज मोबिलाइज कर रहे हैं, और ये जस्ट शुरुआत है। लकली मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें इस प्रोजेक्ट पर एक बहुत साथ दिया है, एंड आगे जाते हुए सब लोग मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही इसको आगे एक प्रोपोगंडा एक पुश दे सकते हैं। सो हमारा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब इसमें जुड़े और शक्तिमय गुरुग्राम को एक मूवमेंट बने। मे गुरुग्राम बिकम द सेफेस्ट ग्रीनेस्ट एंड क्लीनेस्ट।